जम्मू कश्मीर के नौगांव में आतंकी हमला, पुलिस पार्टी पर हमला। हमले में पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग, दो पुलिसकर्मी शहीद। पुलिस ने जताई आशंका, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की हो सकती है साजिश। 15 अगस्त को लेकर आईबी का बड़ा अलर्ट, यूएसए में रहने वाले सिख फॉर जस्टिस ने लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने की साजिश का खुलासा। सूत्रों के मुताबिक 14, 15 और 16 अगस्त को झंडा फहराने पर $25,000 देने का ऐलान, आईबी के अलर्ट को लेकर सुरक्षा सख्त। राजस्थान में आज से विधानसभा सत्र, सदन के फ्लोर पर होगा सियासत का शक्ति परीक्षण, अलग अलग पहुंच रहे हैं दोनों गुट। बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में गहलोत लाएंगे विश्वास मत, विधायक दल की बैठक में पायलट से मिलाया हाथ। आज 3 बजे बिजनेस एडवाइजरी की बैठक, पहले गहलोत का विश्वास प्रस्ताव या बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव पर होगा फैसला। आज विधानसभा में सचिन को घटे कद का होगा एहसास, पिछली कतार में निर्दलीय विधायक के पास बैठना होगा। कांग्रेस की बैठक में बोले गहलोत, पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। राजस्थान का सियासी संकट होने के बाद पहली बार मिले गहलोत और पायलट, दोनों के चेहरे पर दिखी मुस्कुराहट। राजस्थान में गतिरोध खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक, पायलट रहे मौजूद, विरोधियों को दिया एकजुटता का संदेश। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे दोनों गुट के विधायक, गहलोत और पायलट के समर्थन में लगे नारे। नारेबाजी और मेल मिलाप के बीच कांग्रेस ने दिखी दूरियां, गहलोत ने कहा 19 विधायकों के बिना भी हम साबित कर लेते हैं बहुमत। बैठक में पायलट ने भी इशारों में किया पलटवार, कहा ना मैं निकम्मा हूं और ना ही नाकारा। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, आंकड़े 24 लाख के पार, 24 घंटे में 64,500 से ज्यादा मरीज बढ़े, इस वक्त देश में 6,60,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। कोरोना के एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 48,000 लोगों की जा चुकी है जान। भारत में तैयार हो रही है कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर पहला ट्रायल कामयाब, दूसरा चरण अगले महीने। कोरोना वैक्सीन का फेज 1 में ह्यूमन ट्रायल का दौर ज्यादातर सेंटर्स पर निपटा, जल्द आएगी रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जंग में राहुल गांधी ने सरकार से फिर पूछे सवाल, कहा अगर ये संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी हुई स्थिति किसे कहेंगे। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के पीएमसीएच का लिया जायजा, सूबे में 90,000 से ज्यादा मरीज। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की बिगड़ी तबीयत, कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद मचा हड़कंप। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की तरफ से की जाएगी विशेष पूजा, महंत नरेंद्र गिरी ने कहा नृत्य गोपाल दास की दीर्घायु के लिए करेंगे प्रार्थना। सवाई माधोपुर टोंक से बीजेपी के सांसद सुखबीर सिंह का बयान, शंख बजाने से इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा। सुशांत केस में सीबीआई ने सुशांत के परिवार के अलावा कुछ और लोगों के दर्ज किए बयान, नाम का खुलासा नहीं लेकिन सूत्रों के मुताबिक केस के लिए बेहद अहम। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने किया ट्वीट, 15 अगस्त को सुबह 10 बजे सुशांत के लिए मौन रखने की अपील। सुशांत केस में सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार के दावे को कहा आधारहीन। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी दाखिल किया जवाब, कहा मुंबई में केस ट्रांसफर करने का नहीं कोई मतलब। रिया के वकील ने पटना में दर्ज एफआईआर को बताया गैर कानूनी, कहा सीबीआई जांच पर एतराज नहीं लेकिन मुंबई में हो जांच। सुशांत मौत मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में घमासान, बिहार सरकार ने कहा सिर्फ पटना में दर्ज हुई है एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने मुंबई पुलिस पर लगाया राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप, कहा इसीलिए अब तक दर्ज नहीं हुई है एफआईआर। सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस पर लगाए डायरी से छेड़छाड़ के आरोप, कहा सीबीआई जांच से मिलेगा इंसाफ। सुशांत के लिए फिर सामने आई कंगना रनौत, ताजा वीडियो में फ्लिपकार्ट के जरिए सीबीआई जांच की मांग। सुशांत की बहन श्वेता ने अमेरिका में लगाई इंसाफ की गुहार, वीडियो जारी करके सीबीआई जांच की मांग। पिछले 24 घंटे से दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बारिश, कई गांव बाढ़ की चपेट में, सुरेंद्रनगर में लगातार 8 इंच तक बारिश, घरों में घुसा पानी। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, चौथी बार गांव में भरा पानी। गांव की सड़क पर चल रही है नाव, पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजकोट के ओमवाड़ा अंडर ब्रिज में फंसी सरकारी बस, दमकल विभाग की टीम ने रस्सियों की मदद से बस और यात्रियों का किया रेस्क्यू। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश, उफान पर है पूर्णा और अंबिका नदियां। राजस्थान के बनासकांठा में तेज बहाव में फंसी कार, सैलाब के बीच जान बचाने की गुहार, स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने किया रेस्क्यू। बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, समस्तीपुर में कोशी में उफान से ढह गए कई घर, नाव से पलायन कर रहे हैं लोग। महामारी के बीच बाढ़ की विभीषिका से निपटने की तैयारी, खगड़िया के गांव में कोरोना जांच के लिए बोट की शुरुआत।
पंजाब के बरनाला में जहरीली शराब कांड को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर लगाया माफिया से साठगांठ का आरोप। पंजाब में जारी है परिवहन निगम के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, तनख्वाह में कटौती को लेकर जबरदस्त नाराजगी। तमिलनाडु के मदुरई में डीएमके और एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, ठेके को लेकर भिड़ंत। हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, खट्टर सरकार पर लगाए शराब घोटाले के आरोप। खराब सड़कों को लेकर चंदौली में समाजवादी पार्टी का अनोखा विरोध प्रदर्शन, बीच सड़क पर धान की रोपाई। मंडी में लैंडस्लाइड से रास्ते पर गिरी चट्टाने, दो की मौत, कई कारें चपेट में, पहाड़ पर कुदरत का कहर। पिथौरागढ़ में सैलाब का शिकार हुए बुलेट सवार, नाले में बह गई बुलेट, एक भाई की मौत, दूसरा घायल। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का कहर, बद्रीनाथ हाईवे पर 8 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन। उत्तराखंड के बागेश्वर में 5 दिन से कहर बनकर बरस रही है बारिश, 2 दर्जन सड़क पर भारी लैंडस्लाइड। देहरादून के कई इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है बरसाती पानी, कई कॉलोनियों में भरा पानी। कन्नौज में भारी बारिश ने जनजीवन की अस्त व्यस्त, शहर की सड़क पर नदियों जैसा नजारा। वाराणसी में गंगा के स्तर में बढ़ोतरी के चलते टूट गया पक्के घाटों का आपसी संपर्क, तटवर्ती इलाकों में बड़ी परेशानी। कानपुर में दुकानों में भरा बरसाती पानी, व्यापारियों की नाराजगी, सड़क पर जाम लगाया। सुल्तानपुर में भारी बारिश का कोहराम, कच्चे मकान की दीवार गिरने से पिता और पुत्र की मौत। सुदीक्षा भाटी केस में एसआईटी ने किया मौका वारदात का मुआयना, घर घर जाकर लोगों से पूछताछ। पुलवामा में सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीर, दो लोगों की गई जान। पत्नी ने बहनों और एक युवक के साथ मिलकर पति की हत्या की, शव को टुकड़े कर नाले में फेंका। दिल्ली में मोबाइल स्नैचिंग गैंग का भंडाफोड़, लूट का माल ऑनलाइन साइट में बेचते थे। शराब कारोबारी के साथ पुलिस की बर्बरता, लगाई कोर्ट से गुहार। थाने बुलाकर डांस करवाने का आरोप लगाने वाली लड़की को पुलिस ने बताया फर्जी, कहा पुरानी शिकायतें भी निकली थी बेबुनियाद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 4 नक्सली ढेर, हथियार और विस्फोटक के साथ रॉकेट लॉन्चर बरामद, मारे गए नक्सलियों के सिर पर था 6 लाख रुपए का इनाम। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रक की भिड़ंत के बाद घंटों तक लगा रहा जाम। प्रयागराज के अस्पताल में महिला की मौत को लेकर जोरदार बवाल, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के बुराड़ी में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की हत्या, पूरे परिवार पर लाठी डंडों से वार। कानपुर में गेस्ट हाउस में लेन देन की लड़ाई में जमकर चले लाठी डंडे, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। झारखंड के रामगढ़ में भूमि विवाद को लेकर गुटों में हिंसक झड़प, पुलिस के रवैये पर जबरदस्त हंगामा। हरियाणा के फतेहाबाद में सरपंच के घर में घुसकर पूर्व सरपंच ने की मारपीट, सीसीटीवी में कैद वारदात। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला, परिजनों ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, एक फरार। यामाहा ने शुरू की अपने 2 व्हीलर की ऑनलाइन बिक्री, वेबसाइट पर वर्चुअल स्टोर से ग्राहक घर बैठे खरीद सकेंगे बाइक। जुलाई में हायरिंग इक्विटी में सुधार का दावा, मीडिया कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग समेत कई सेक्टर्स में पॉजिटिव माहौल। रिलायंस खरीद सकता है टिकटॉक का भारतीय कारोबार, बाइटडांस ने शुरू की मुकेश अंबानी की कंपनी से बातचीत। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स होंगे सस्ते, सरकार ने बैटरी के बिना रजिस्ट्रेशन और बिक्री को दी मंजूरी। अगले 6 महीने तक देश के 50% होटल्स की हालत खराब रहने की आशंका, विमान के लिए 1 साल तक करना पड़ सकता है इंतजार। स्वतंत्रता दिवस पर नहीं हुआ चीनी मांझे का आयात, करीब 500 करोड़ के नुकसान का अनुमान। ट्विटर ने लिमिट रिप्लाई फीचर को किया लॉन्च, अब यूजर्स अपने ट्वीट पर लगा सकेंगे ज्यादा प्राइवेसी। झारखंड ने राज्य में उगाई गई सब्जियों को विदेशों में निर्यात करना शुरू किया, राज्य के कृषि मंत्री ने रवाना की पहली खेप। दिसंबर तक भारत में तैयार हो सकती है कोरोना वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ने जताया अनुमान। फोर्ब्स की 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में अक्षय कुमार को मिली जगह,